फैक्टेड बाय विकास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपने जब भी किसी भी सरसों के तेल का विज्ञापन देखा होगा या फिर आप बाजार से सरसों का तेल लाते होंगे तो एक शब्द आपने जरूर देखा होगा उसके पैकेट पे, कच्ची घानी सरसों का तेल। आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि सरसों का तेल में ये कच्ची घानी शब्द का क्या मतलब होता है। तो शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इसका राज जानिए हमारे साथ। तो मिलते हैं इस म्यूजिक के बाद। अगर खाद्य तेल की हम बात करें तो वर्तमान में दो प्रकार के तेल बाजार में मिलते हैं। एक तो होता है रिफाइंड तेल और दूसरा होता है कच्ची घानी तेल। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं रिफाइंड तेल क्या होता है। रिफाइंड तेल एक प्रकार का केमिकल युक्त तेल होता है जिसमें कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं उसको शुद्ध करने के लिए, जिससे हमारे शरीर में कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये है कि जो हमारे शरीर के अंदर नेचुरल फैट होता है वो उसको ख़त्म कर देता है। जब ख़त्म कर देता है तो हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो जोड़ होते हैं उसमें फैट के ही कारण हड्डियां आपस में घिसती नहीं हैं। लेकिन जो रिफाइंड ऑयल होता है वो इसको धीरे धीरे ख़त्म करने लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिफाइंड तेल कितना खतरनाक है। सिंपल शब्दों में आप उसमें केमिकल के बारे में तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि सरसों के तेल में कच्ची घानी शब्द क्यों लिखा होता है। यहाँ पे कच्ची घानी का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से उस सरसों से तेल निकाला जाता है वो एज इट इज़ उसी प्रकार से उसको पैक कर दिया जाता है और मार्केट में उतार दिया जाता है। यानी कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज़ या केमिकल अर्थात रसायनों का यूज़ नहीं किया जाता है, वो एकदम से नेचुरल ऑयल होता है। और यह कच्ची घानी सरसों का तेल या यूँ कह लें जो सरसों का तेल होता है वो अन्य रिफाइंड ऑयल की तुलना में कहीं ज़्यादा लाभकारी होता है। तो उम्मीद है कि आपको कच्ची घानी शब्द समझ में आ गया होगा। और यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट अवश्य करिए। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिए। और इसके साथ ही यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।